हेलो प्रीटी गर्ल्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप ये वैलेंटाइन्स नाइट का ग्लॉसी मेकअप लुक कैसे क्रिएट कर सकते हो। और बेसिकली इसमें मैंने रेड एंड गोल्डन यूज किया है, बिकॉज रेड इज फॉर वैलेंटाइन्स, दैट्स वाई। एंड जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था मेरे वैलेंटाइन्स डे के मेकअप लुक में कि मेकअप ट्यूटोरियल में कि मैं वैलेंटाइन्स नाइट का मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूंगी, तो हियर इट इज। तो चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं, बट वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसके बाजू में उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और चलिए अब देखते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। अब मैं मिस क्लेयर का फुल कवरेज मेकअप जार ले रही हूँ और उसको मैं मेरे आईब्रोज के नीचे, आईब्रोज के ऊपर, आंखों के नीचे और आंखों के ऊपर लगा रही हूँ ताकि मेरे जो भी डार्क सर्कल्स हो वो कवर अप हो जाए एंड मुझे एक बेस मिल जाए मेकअप के लिए। और ये सब मैं ब्लेंड कर रही हूँ इस पैक के मिनी ब्यूटी ब्लेंडर से, अच्छे से सब कुछ ब्लेंड कर रही हूँ। बस यहाँ पर मैं ये एडीएस का अल्टीमेट कॉन्टोर पाउडर पैलेट ले रही हूँ और उसमें से ये शेड ले रही हूँ और इसको मैं मेरे आंखों के ऊपर, आंखों के नीचे और आईब्रोज के ऊपर लगा रही हूँ ताकि जो भी कंसीलर लगाया था वो गलती से भी क्रीज ना हो बिल्कुल और आई मेकअप परफेक्ट हो मेरा बाद में इसलिए। और यहाँ पर मैं ये मिस गोल्ड का मेकअप आर्टिस्ट आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। तो मैं ये लाइट पीची शेड ले रही हूँ और इसको मैं एज अ ट्रांजिशन शेड यूज करूंगी। तो मैं इसको मेरे क्रीज पर लगा रही हूँ और ब्लेंड करते जा रही हूँ इस ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से। अब मैं उसी पैलेट से ये ब्राउन शेड ले रही हूँ और इसको भी मैं मेरे क्रीज पर लगा रही हूँ और ब्लेंड करते जा रही हूँ उसी ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से। और ये बस मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि एक डेप्थ मिल सके और डार्कन अप हो सके मेरा क्रीज। अब मैं ये गोल्डन क्रीमी आई शेडो ले रही हूँ और इसको मैं मेरे पूरे लिड पर लगा रही हूँ एक फ्लैट ब्रश की मदद से। और जो क्रीमी आई शेडो बेस होता है या क्रीमी आई शेडो होता है, जब हम लोग उसके ऊपर और कोई आई शेडो लगाते हैं तो काफी देर तक चलता है, लाइक काफी टाइम तक रहता है वो आई शेडो, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। अब मैं ये एडीएस का आई शेडो शाइनर विच इज आई शेडो शिमर गोल्डन शेड में ले रही हूँ और इसको मैं इस स्पॉन्ज एप्लीकेटर से लगा रही हूँ मेरे आंखों के इनर हाफ में। अब मैं ये डार्क रेड वाला शिमर ले रही हूँ और इसको इस स्पॉन्ज एप्लीकेटर की मदद से मेरे आंखों के आउटर हाफ में लगा रही हूँ। अब मैं ये SFR कलर का अल्ट्रा शाइनी ग्लिटर पैलेट ले रही हूँ और इसमें से ये गोल्डन शेड ले रही हूँ और जहां पर मैंने वो गोल्डन शिमर लगाया था मेरे आंखों के फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट इनर हाफ में, वहां पर मैं ये गोल्डन ग्लिटर लगा रही हूँ। अब मैं वही डार्क रेड वाला शिमर मेरे लोअर लैश लाइन पर लगा रही हूँ एंड थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ उसी स्पॉन्ज एप्लीकेटर की मदद से। अब यहाँ पर मैं ये फेसेस कैनेडा का काजल ले रही हूँ, मैग्नेटाइज काजल, और इसको मैं मेरे लोअर वाटर लाइन पर लगा रही हूँ अच्छे से। अब मैं ये मीनाओ का डायनामिक पेन आईलाइनर ले रही हूँ और इससे एक लाइनर बना रही हूँ और इससे मैं एक छोटा सा विंग भी क्रिएट करूंगी। और ये जो मीनाओ का लाइनर है ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, इट्स जस्ट फॉर 100 रुपीज एंड बहुत अच्छे से काम करता है ये, लाइक आप आसानी से विंग क्रिएट कर सकते हो और पतला मोटा आईलाइनर बना सकते हो प्रिसाइजली, बहुत अच्छा है ये। और यहाँ पर मैं ये लैक्मे आइकॉनिक का मस्कारा ले रही हूँ और इसको मैं मेरे लैशेस पर अच्छे से लगा रही हूँ। मैं बाद में फॉल्सीज भी लगाऊंगी, आप चाहिए तो फॉल्सीज स्किप कर सकते हो एंड आप जस्ट एक मस्कारा लगा सकते हो और ये भी काफी अच्छा मस्कारा है। अब मैं ये फेक आईलैशेस ले रही हूँ जो कि मैंने लोकल मार्केट से खरीदे थे 30-40 रुपीज में एंड इनको मैं लगा रही हूँ मेरे लैशेस के ऊपर ताकि मेरे जो लैशेस है वो थिक एंड ड्रामेटिक लगे वैलेंटाइन्स नाइट के लिए। और यहाँ पर मैं ये मेबिलिन का फैशन ब्रो आईब्रो डिफाइनर ले रही हूँ इन द शेड ब्राउन और इससे मैं मेरे जो भी आईब्रोज में स्पार्स एरिया से वो सब फिल कर रही हूँ अच्छे से और इस फूली की मदद से सब कुछ शेप कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ये द नेचर्स को का सैफ्रन क्रीम ले रही हूँ और इसको मैं मेरे पूरे फेस पर और नेक पर लगाऊंगी और हाथों से ही ब्लेंड कर लूंगी। मॉइस्चराइजिंग फेस इज रियली इंपॉर्टेंट, अगर आपका ऑयली स्किन हो तो भी मॉइस्चराइज जरूर कीजिए, मॉइस्चराइजर स्किप मत कीजिए कभी भी। यहाँ पर मैं ये NYBA का प्राइमर ले रही हूँ और इसको मैं मेरे पूरे फेस पर और नेक पर लगा रही हूँ और हाथों से ही ब्लेंड कर रही हूँ। प्राइमर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, इसीलिए तो प्राइमर जरूर लगाइए और पोर्स भी मिनिमाइज होते हैं इससे इसीलिए। अब मैं ये मेबिलिन का फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 230 नेचुरल बफ
और ये मिस क्लेयर इल्यूमिनेटर बेस इन द शेड 01 सनबीम, ये दोनों मिक्स कर इनको मैं मेरे फेस पर और नेक पर लगा रही हूँ। इससे काफी अच्छा ग्लॉस अप होगा, मेरा फेस बहुत ग्लॉसी सा लगेगा, फेस एक ग्लो बोलते हैं ना, ग्लो फ्रॉम विद इन, वैसा लगेगा। अभी इसको मैं मेरे इस वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँ, तभी आप देख सकते हो एक चमक दिख रहा है फेस पर, पूरा फेस हाईलाइटेड लगेगा विदाउट इवन अप्लाइंग हाईलाइटर, तो स्किन विल ग्लो फ्रॉम विद इन, दैट्स व्हाई मैंने ये अप्लाई किया है। और बस नेक पर भी ब्लेंड करूँ अच्छे से सब कुछ। अब मैं वही मिस क्लेयर का फुल कवरेज मेकअप जार ले रही हूँ और उसको जहाँ पर भी पिगमेंटेशन या डार्कनेस है मेरे फेस पर वहाँ लगा रही हूँ, जैसे कि लिप कॉर्नर्स पर, चिन पर और नोज कॉर्नर्स पर और अंडर आई एरिया में। और अब मैं सब कुछ इस पैक के मिनी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ, जो भी कंसीलर है वो। और ये जो पैक का मिनी ब्यूटी ब्लेंडर है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और इससे बहुत ज़्यादा आसानी से ब्लेंड हो जाता है और ये कोई भी कॉर्नर्स पे पहुँच जाता है, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अब मैं ये NYB का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ और इसको मैं मेरे पूरे फेस पर और नेक पर लगा रही हूँ इस पाउडर ब्रश की मदद से। और ये बहुत ही लाइट वेट वाला कॉम्पैक्ट पाउडर है, तो इससे जो मेरा ग्लॉसीनेस है फेस का या जो ग्लो है फेस का वो निकलेगा नहीं, इसलिए मैं ये लगा रही हूँ। आप कोई भी लाइट वेट वाला कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर लेकर लगा सकते हो। अब यहाँ पर मैं ये ADS का अल्टीमेट कॉन्टोर पाउडर पैलेट में से ये जो डार्क शेड है ब्राउन वाला कॉन्टोरिंग के लिए वो ले रही हूँ और इसको मैं लगा रही हूँ बोथ साइड्स ऑफ द नोज, बिलो द चीक बोन्स, जो भी हमारे नॉर्मल कॉन्टोरिंग के एरियाज होते हैं वहाँ लगा रही हूँ, फोरहेड पर और चिन एंड जॉ लाइन पर लगा रही हूँ। आपका फेस अगर पतला हो तो आप कॉन्टोरिंग पूरे तरीके से स्किप कर सकते हो। और यहाँ पर मैं सब कुछ ब्लेंड कर रही हूँ, जो भी कॉन्टोरिंग किया था वो सब ब्लेंड कर रही हूँ। और आप चाहिए तो ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपके सिर्फ चीक्स मोटे हैं तो आप सिर्फ गालों पर लगा सकते हो, लाइक बिलो द चीक बोन्स लगा सकते हो कॉन्टोरिंग, और बाकी सब जगहों पे स्किप कर सकते हो। या अगर आपका सिर्फ नोज मोटा है तो आप नोज पर एक कॉन्टोरिंग करके बाकी जगह स्किप कर सकते हो, तो आपके हिसाब से आप कर सकते हो कॉन्टोरिंग, आपको जैसा चाहिए वैसा। अब मैं ये मीना चीक मेकर ब्लश पैलेट में से ये शेड ले रही हूँ जो कि रोज गोल्ड शिमरी शेड है और उसको मैं मेरे चीक्स पर लगा रही हूँ। और ये जो शिमरी शेड है इससे भी एक ग्लॉसीनेस और एक ग्लो मिलेगा फेस को, चीक्स पर भी, इसलिए मैं ये शेड लगा रही हूँ। आप कोई भी शिमरी शेड लेकर लगा सकते हो, बट मुझे रोज गोल्ड शेड ही लगाना था इसलिए मैं ये लगा रही हूँ। और अब मैं ये कैमियो का फेस एंड बॉडी हाइलाइटर ले रही हूँ या शिमर ले रही हूँ और इसको मैं मेरे फेस के सारे हाई पॉइंट्स पर लगा रही हूँ, इन शॉर्ट हाईलाइटिंग कर रही हूँ। तो मैं इसको अबाउट द चीक बोन्स, मिडल ऑफ द नोज, हेड एंड चिन एंड क्यूपिड्स बो पर लगा रही हूँ। अब मैं ये NYB का लिप क्रेयन और हुडा ब्यूटी का लिक्विड मैट लिपस्टिक ले रही हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पर ये NYB का लिप क्रेयन ले रही हूँ इन द शेड रेड प्ले ऑफ चैंपियन, और ये एकदम प्योर सा रेड है विच इज परफेक्ट फॉर वैलेंटाइंस, तो इसलिए मैं इसको लगा रही हूँ। बट ये थोड़ा क्रीमी है इसीलिए मैं इसके ऊपर हुडा ब्यूटी का लिक्विड लिपस्टिक लगा रही हूँ विच इज इन द शेड सोशलाइट, तो ये एकदम शिमरी वाला लिपस्टिक है बोलते ना वैसा है, बट ये मैट में टर्न हो जाता है पूरा बिकॉज ये लिक्विड लिपस्टिक है एंड इट इज मेंट टू टर्न मैट, तो इसलिए तो ये परफेक्ट जाएगा मेरे मेकअप लुक के साथ, ग्लॉसी मेकअप लुक के साथ, इसलिए मैं ये लगा रही हूँ। आप कोई भी शिमरी शेड लगा सकते हो। और यहाँ पर मैं ये किस ब्यूटी का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे ले रही हूँ और इसको मैं मेरे पूरे फेस पर स्प्रे कर रही हूँ और यहाँ इस ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से सब कुछ पुश कर रही हूँ मैं, ताकि मेरा जो मेकअप है वो ज्यादा टाइम तक रहे इसीलिए। एंड दिस इज द फिनिश्ड मेकअप लुक फॉर वैलेंटाइंस नाइट। आई होप कि आपको ये वैलेंटाइंस नाइट का ग्लॉसी मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो और ये वैलेंटाइंस नाइट का मेकअप लुक हेल्पफुल रहा हो। और अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लिक कीजिए लाइक बटन नीचे, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड मुझे मेरे सारे सोशल मीडियाज पर फॉलो कीजिए। सारे सोशल मीडियाज के लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सारे प्रोडक्ट के डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप देख सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो। सो दैट्स इट विद द वीडियो प्रीटी गर्ल्स, लव यू प्रीटी गर्ल्स, बाय बाय।